जिला चंबा के चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत बघईगढ़ में बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। दो दिन तक लगातार बारिश और बर्फबारी के दौरान इस पुल का डंगा धंस गया। ये पुल इलाके की 6 पंचायतों को आपस में जोड़ता है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बता दें कि ये पुल बघईगढ़, चरडा, चाजू, देहरा पंचायतों को द्योला और जसोरगढ़ पंचायतों के साथ जोड़ता है। ग्राम पंचायत बघईगढ़ की प्रधान शकुंतला ने घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पुल का एक तरफ का पिलर टूट गया है, जिस वजह से पुल में लगी तार का रस्सा ढीला पड़ने से पुल एक तरफ को झुक गया है, जिस पर आवाजाही संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि लकड़ी का झूलेदार पुल है जो कई दशक पहले बना था। कई बार इस पुल की रिपेयर भी हो चुकी है, लेकिन कुछ वर्षों बाद इस पुल पर लगी लकड़ी सड़ जाती है। अभी भी इस पर लगी लकड़ी काफी जर्जर अवस्था में है। बघई गढ़बा चरडा पंचायत के कई ग्रामीणों का शमशान घाट इसी पुल के पार है। पुल क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु संस्कार क्रिया करने में भी समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने बताया कि जब कठवाड़ धार बंद होती है तो यही एकमात्र पुल था जिसके माध्यम से उन 4 पंचायतों के लोग द्योला, जसोरगढ़ होकर चंबा आते जाते थे। इसी पुल के माध्यम से द्योला पंचायत के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने बघईगढ़ आते हैं। पंचायत प्रधान ने बताया कि फिलहाल इस आपात स्थिति से निपटने और लोगों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए वे एक वैकल्पिक रास्ते का निर्माण करवा रही हैं, जिसका सारा खर्चा वो स्वयं करेंगी। नमस्कार, मैं शकुंतला प्रधान, ग्राम पंचायत बघईगढ़। 3-4 दिन से हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से हमारी पंचायत क्षेत्र के किलूटी नामक स्थान पर जो लकड़ी का पुराना पुल था वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह पुल हमारी 6 पंचायतों को आपस में जोड़ता है। लोगों की आवाजाही संभव नहीं है। मैं खुद वहां मौके पे गई थी। इस पुल की जो एक तरफ का जो पिलर है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने वहां एक अस्थाई रास्ते का निर्माण करवा रहे हैं, जिसका खर्चा मैं स्वयं उठाऊंगी। और जल्द ही मैं जिलाधीश महोदय से मिलकर यहां पर एक पक्के लोहे के पुल के निर्माण के बारे में बात करूंगी। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक, वेब टीवी के लिए चुराह से जावेद खान।